ओके सो टेल मी योर लव स्टोरी. हुआ क्या, वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू थॉट शी इज द वन? हम लोग अवार्ड्स पे थे, हम अवार्ड्स पे ह्यूस्टन में, नहीं टोरंटो में. तो वहाँ पे मैं देखता हूँ एक एक्ट्रेस वहाँ परेशान घूम रही है कि उसका फोन खो गया है. ओके उससे पहले तो हम एक दूसरे को नहीं जानते. एक दफा लास्ट अवार्ड्स पे हम मिले थे और हमने एक तस्वीर खिंचवाई थी शायद. ओके बस वो इतनी जान पहचान थी, मैंने काम भी नहीं दिखा था. ओके और उस वो इस तरह जानती थी कि वो मेरे फिल्म के प्रीमियर पे आई थी. ओके तो लाहौर से आगे गए तो बस मैंने देखा वो परेशान है. मैं गया, मेरा एक्ट खत्म हो गया था. तो मैं अमूमन एक्ट खत्म हो जाए तो मैं अवार्ड शो से चला जाता हूँ. okay. कि आप अपना काम करें. क्या बात चले है आपकी. तो नहीं होना भी यही चाहिए अगर आपका कुछ नहीं है अवार्ड में कि आपको अवार्ड मिलना भी बाकी नहीं तो है. कोई काबिल ही नहीं कि उनके लिए बैठा जाए. तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो परेशान खड़ी. मैंने पूछा यार क्या सीन है. उसने कहा मेरा फोन खो गया. तो सब उसे कहते इतने बड़े शो में अब तुम्हें कहाँ फोन मिलेगा. तो मैं शायद वाहिद आदमी था जिसने कहा कि नहीं नहीं फोन मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो, युवा हीरो. हाँ तो मैंने कहा नहीं मिल जाएगा मिल जाएगा. मैंने सिर्फ इतना कहा और एक औरत वहां से फोन लेके आ गई. अरे वाह, आपका फोन. तो वो खुश हो गई. उसके बाद फिर सहीफा, मैं और हीरा मानी, हम लोग एक ही गाड़ी में, मेरे एक जानने वाले थे उनकी गाड़ी थी तो उनमें मैंने इन्हें ड्रॉप कर दिया होटल. और ये भी मेरे साथ जल्दी आ गए शो से. और उसके बाद अगले दिन से हम लोगों ने हैंग आउट करना शुरू कर दिया इकट्ठे. और बस आई लाइक्ड हर. और उसको कब पता चला ये पता? उसको कब पता चला? टोरंटो में ही पता चल गया था उसे भी. क्लिक कर गए वहीं पे. उसने माना काफी अरसे बाद. अच्छा तो किसने पहले मोहब्बत का इजहार किया? मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ. आसानी से मान गई? नहीं, मैंने उससे सीधी बात की कि मैं घुमाना फिराना नहीं चाहता तुम्हें और 10 साल का एज डिफरेंस भी है, 11 साल का. तो मैंने कहा मैं मुझे अच्छा भी नहीं लगूंगा. तो मैंने कहा यार शादी करनी है मुझे. हाँ. अगर तुम्हारा है इंटरेस्ट तो ठीक है, नहीं है तो बता दो. तो ऐसी कौन सी बात है इकरा में जिसको देख के तुमने सोचा था कि यस शी इज द वन, इससे शादी करूंगा? मैं उसकी अम्मी से मिला था. तो उसकी अम्मी बहुत ही नफीस खातून है. बहुत ही केयरिंग, बहुत ही सादा तबीयत. तो मुझे अंदाजा था इनकी बेटी है तो ये इसमें कुछ तो इन जैसा होगा. और उसमें बहुत कुछ है उन जैसा. अच्छा कि अम्मी को देख के अंदाजा लगा लिया. मैंने अंदाजा लगा लिया कि खूबियां बच्ची में भी जरूर होंगी. आप खुद जानती हैं आप में जो खूबियां हैं आधी तो आपकी बेटी में होंगी. होपफुली खूबियां ही हो, बुराइयां ना. अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ कि क्या वजह है ये जिप क्यों नहीं होता, कॉन्ट्रोवर्सीज में क्यों फंसे रहते? नहीं अब तो काफी हद तक जिप कर लिया है मैंने. क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे साथ एक और शख्स भी आ गया तो उसके लिए कोई मुसीबत ना हो. ओके तो काफी ज्यादा जिप कर लिया मैंने. और कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं यूं फंस जाता हूँ कि मैं कह देता हूँ दिल की बात जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए. इतना खामोश तो मेरे ख्याल में टेबल कुर्सी हो सकता है जितना आजकल इंसान है. आपको एज एन, देखो आप थिएटर भी करते हो, आप होस्ट भी हो, आप एक्टर भी हो और इन सब के बाद आप एक सेलिब्रिटी भी हो. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाज़ा है कि इस माशरे को क्या वापस करना है, इस फेम का क्या फ़ायदा उठाना है, इस फेम को किस तरह यूज़ करना है? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है और मुझे लगता है कि बाकी सेलिब्रिटीज को भी अंदाज़ा होना चाहिए. मैं तो अपने आप को सेलिब्रिटी मानता नहीं हूँ एज सच, क्योंकि मेरा थिएटर से स्टार्ट है तो आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल होते हैं. क्योंकि आप ज़मीन पर बैठे होते हैं, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे होते, फेम भी नहीं मिल रहा होता. तो मैंने ज़्यादा काम तो वही किया. मैंने 12 साल से मैं इंडस्ट्री में, मैंने 12 साल में 3 ड्रामे किए. बिल्कुल 3 ड्रामे किए और 4 फिल्में शायद. दो फिल्म्स की. तो मेरा कोई इतना बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं है. तो सेलिब्रिटी होने के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है. तो मुझे लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके नाम पे चीज़ें बिकती हैं उन्हें बस ये देखना चाहिए कि वो बेच क्या रहे हैं. तो उससे मुझे बहुत, आजकल वो एक कोई नस्वार आई हुई है पैकेट वाली, वो हर एक्टर उसे एंडोर्स कर रहा है. तो मैं बोला नहीं उस बारे में कभी भी कि क्यों कर रहे हैं. मे बी उनको जरूरत हो, मे बी इसलिए मैं खुल के अभी भी ना उनका लॉजिक ये होता है कि पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे मिलेंगे, हम कुछ भी. मुझे सिर्फ ये कि कोई आपको देख के अगर वो करने लगेगा तो वो एक बुरी चीज है. वो एक टबैको की, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी है. या कुछ सेलिब्रिटीज सिगरेट के साथ तस्वीर लगाते हैं, अगर उनका कैरेक्टर है वो एक डॉन बने हुए हैं, मवाली हैं, फिल्म में सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका कैरेक्टर है. character. इस बात को समझना चाहिए क्योंकि फिल्म में फिर उसका कोई ना कोई एंड भी होता है बुरा. कि एक डॉन है तो उसने बुराई की तरफ जाना, उसे बुरा दिखाने के लिए शायद सिगरेट इस्तेमाल हो रही है. लेकिन अगर आप वैसे स्वैग के लिए पी रहे हैं
तो मुझे लगता है नहीं पीना चाहिए। तो क्या सिगरेट बुरे लोग पीते हैं या बेवकूफ लोग पीते हैं? बेवकूफ लोग पीते हैं। हाँ, तो बुराई का सिगरेट से क्या ताल्लुक है? हमारे यहाँ तो ये है ना, तो वो क्लीशेस जोड़ दिए जाते हैं ना, छोटे बाल ने तो बुरी लड़की है, सिगरेट हाथ में है तो बुरा लड़का है, विलन है तो आंखें वो रखेगा। तीसरा सवाल आपसे यही है कि आप राइटर भी हैं, आप हमारी इंडस्ट्री को कहाँ रेट करते हैं? क्योंकि हम वही स्टीरियोटाइप्स, वही चीजें जो अरसे से चली आ रही हैं, हम उन्हीं को एंडोर्स कर रहे हैं। हम क्या नया लेके आ रहे हैं अपनी राइटिंग में? देखिए ना, ये शो नया है, जो बातें आप कर रही हैं, जो कंटेंट आप लेकर आई हैं, वो नया है। मुझे तो लगता है समीना भी ज्यादा जी जो है उनका शो भी नया है। Okay. वैसी बातें कहाँ हो रही थी? Okay. जिस तरह के वो सवाल कर रही हैं, Okay. जिस पे लोग मीम्स बना रहे हैं, हाँ। वो नई ही बातें हैं। इस तरह कई ड्रामे और चीजें हैं जो मेरे ख्याल में नई हो रही हैं, फिल्में भी कई बन रही हैं जो नई हैं, थोड़ा थोड़ा करके चेंज आ रहा है, बाकी तो हिट जो होगा। मुझे एक एग्जांपल दें कि आप एक ड्रामा ऐसा आया जिससे आपको लगता है कि माशरे में कोई अच्छी चीज हम एंडोर्स कर रहे हैं या कुछ हम रवैये चेंज कर रहे हैं। हमारे ड्रामे में सियासत नहीं है, हमारे ड्रामे में अब अदब नहीं है, हमारे ड्रामे में कोई एक्टिविज्म नहीं है। क्या ये सब होना नहीं चाहिए? किसी खास आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ड्रामे नहीं बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। मैं अभी जब उनका फिरदौस जमाल साहब का एक क्लिप देख रहा था जिसमें वो बात कर रहे हैं साइंस की, सूफीज़म और साइंस को मिला रहे हैं वो, जिसमें वो अंग्रेज़ी के पूरे पूरे मुकालमे बोल रहे हैं और वो जेल में खड़े हुए हैं और बाहर ख्याम सरदी खड़े हैं, मतलब दो एक्टिंग स्कूल्स आमने सामने खड़े हैं और वो सिखा रहे हैं एक वकील को जो अंदर कैद में है, सिम्बॉलिकली दिखा रहे हैं उसको कि वो कैद में जो बंदा है वो इतना इल्म रखने वाला है कि वो बता रहा है कि आप साइंस की तरफ कैसे जा सकते हैं, और उसमें वो मिसालें जो है ना, वो सुकरात बुकरात और पता नहीं किन लोगों की दे रहा है। तो वो मोनोलॉग जो उन्होंने दिया है, मुझे नहीं लगता आज का कोई एक्टर इंक्लूडिंग मी दे सकता है वो, या उस चीज को समझ सकता है, या कोई डायरेक्टर वो कहलवा सकता है। जब उन्होंने अंग्रेजी बोली तो उनका एक्सेंट बिल्कुल प्रॉपर था, जब उन्होंने उर्दू बोली तो उनका लहजा बिल्कुल ठीक था। तो वो सब कुछ करने वाले, तो अब मैं खुद कई डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। मैं खुद ऐसा एक्टर हूँ जिसे बहुत सारे जुमले बोलने नहीं आते, मैं खुद ऐसा राइटर हूँ जिसे कई चीज़ों का मतलब नहीं पता। तो हम सब तो उस तरह से काम कर रहे हैं ना कि कोई सीख के तो आया नहीं है। पीटीवी में तो सब लोग एक इंस्टीट्यूट से होके आ रहे थे, बहुत रगड़ा खा के निकल रहे थे, पिस पिस के आ रहे थे, यहाँ तो जिसका दाव लगा, जिसको मौका मिला। तो आप आजकल की जनरेशन जो है उसका एक्टिंग का क्या मेथड है? आप किस तरह किसी रोल में जाते हो, किस तरह सोचते हो, हाउ डू यू वर्क? देखिए, मेरा तो थिएटर से बैकग्राउंड है, तो मुझे मुझे एक चीज़ का पता है कि आपने एक तो स्क्रिप्ट बाय हार्ट याद करना है, दूसरा आपको कैरेक्टर पता होना चाहिए अपना कि ये इसका क्या शेड है, ये क्या करता है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है जो कि नहीं लिखा हुआ होता, इसके कपड़े किस तरह के। जैसे बांदी में मैंने एक कैरेक्टर किया एक सिंधी का, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि काले ही कपड़े पहनेगा। उन्होंने कहा क्यों ये कपड़े चेंज नहीं करेगा? मैंने कहा देखें, काले कपड़े इसलिए कि सिम्बॉलिकली एक तो 13 दिन का काम है, छोटा सा कैरेक्टर है, 45 सीन्स थे 400 सीन्स के ड्रामे में, तो आप नजर भी नहीं आए अमूमन। मैंने कहा पहली वो नजर नहीं आ रहा, तो ब्लैक में रखते हैं उसे, सिम्बॉलिकली ईवल भी दिखा रहे हैं उसे, बहुत ईवल है, घर जला रहा है, रेप कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अगेन स्टीरियोटाइप। हाँ था वो, हाँ। इसी तरह का। तो मैंने कहा उसको आप काले में रखते हैं तो शायद लोगों को, मैं तो रजिस्टर करने के हिसाब से कह रहा था कि रजिस्टर हो जाएगा वो कम से कम, कि जब भी ये आता है बंदा तो खास म्यूजिक तो बजेगा, मुझे पता है डायरेक्टर पीछे से बजाएगा, एक खास लुक तो मैंने बनानी है, मैंने मूछें दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, तो वो स्टीरियोटाइप कैरेक्टर था जैसे गब्बर सिंह था। हम बॉलीवुड की कॉपी तो बहुत करते हैं और उससे इंस्पिरेशन भी बहुत लेते हैं, और वहाँ पे भी राइट विंग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्टिव है और एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इवन देन पीके भी बनती है वहाँ पे, गली बॉय भी बनती है वहाँ पे, वहाँ यूथ की स्टोरी बिल्कुल रियल दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ सास बहू तीसरी शादी, सास बहू तीसरी शादी, बेवफाई बेवफाई, क्या दुनिया में यही मसाइल रह गए? मे भी बहुत ज्यादा बेवफा है पाकिस्तान में। अच्छा लेकिन मुझे लगता है इंडिया की आबादी जितनी ज्यादा है ना, उस हिसाब से उनके पढ़े लिखा तबका भी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से उनके मीडिया में भी पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। तो आप कहना चाह रहे हैं अभी हमारे मीडिया में पढ़ाई की समझदार पढ़े लिखे लोग कम है? कम, ये आपको भी अंदाजा होगा, क्योंकि हम अगर बार बार उन्हीं स्टोरीज पे जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि आवाम यही देखना चाहती है और हमें लग रहा है इसी पे रेटिंग आ रही है। आप देखें ना, जिन चीजों पे रेटिंग आ रही है आप आपके सामने है सारा कुछ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं रियलिटी में तो आप वही एज एन एक्टर वही चीज़ें कर रहे होते हैं जो आपको आपके सामने आ रही होती हैं। मैं 12 साल में 3 ड्रामे करके कैसे सरवाइव किया हूँ ये मैं जानता हूँ। मेरी बीवी ने
मेरे ख्याल में 6-7 साल में 17-18 ड्रामे किए हैं। What an amazing actor she is. She is. मगर, so are you. Thank you. और तुम जो थिएटर एक्टर हो, अगर तुम फिल्म में और टीवी पे 100 हो ना, तो वहाँ 1000 हो, माशाल्लाह। Thank you.